नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी एक छोटी सी रिसर्च जो कि मैंने की है प्रोफेशनल डिस्ट्रेस पे, कि वो समय आपके करियर का जो कि स्ट्रेस का समय है, या जिसमें हम कहें कि हमारा जो है प्रोफेशनल डाउनफॉल हुआ, या कुछ ऐसा हुआ प्रोफेशनली जो कि हम किसी कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए, या हमारा जो है डिक्लाइन ऑफ द करियर जो है वो उस टाइम पे हुआ। तो क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरह से ये देखा जाता है? देखिए, वैसे तो जब भी कोई प्रिडिक्शन की जाती है तो पूरी कुंडली को ही एनालाइज किया जाता है। दशा क्या है, गोचर ट्रांजिट उस टाइम पे किस तरह का है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं और इस बेसिस पे जो है हम प्रिडिक्शन करते हैं। पर जो हम रिसर्चेस करते आ रहे हैं, मैं काफी सारी रिसर्चेस का हिस्सा रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की, तो क्या छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं या क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर इवेंट, चाहे वो अच्छा है चाहे वो खराब है, तो वो कब होगा और उसका क्या प्रॉमिस है आपकी पत्री में, क्या आपके साथ ऐसा इवेंट होगा भी कि नहीं होगा। बात करें प्रोफेशनल डिस्ट्रेस की, तो दो पॉइंट्स जो हमारी रिसर्च से सामने निकल के आए, वो दो पॉइंट्स वो ये हैं कि जब भी दशांश कुंडली यानी कि D10, दशांश कुंडली जो है हम खास करके स्पेशली प्रोफेशन के लिए देखते हैं, तो जब भी D10 के 8th लॉर्ड की दशा या अंतर दशा चल रही है, तो वो समय जो है वो प्रोफेशनली आपके लिए अच्छा समय नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब भी 5th हाउस या 5th लॉर्ड का कनेक्शन 10th हाउस से आ रहा है और ऐसी दशा अंतर दशा आ रही है, तो वो समय भी जो है आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 5th हाउस जो है वो 10th हाउस से 8th है, अष्टम भाव है। 8th हाउस जो है वो भाव है सडननेस का, वो भाव है लॉस का, अचानक से कोई खराब चीज हो जाना। तो 5th का और 10th का कनेक्शन हुआ तो अचानक से जो है कुछ ना कुछ प्रोफेशनली जो है हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है कि जब भी मैं कुछ ऐसा पैरामीटर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो कोई ना कोई एग्जाम्पल हॉरोस्कोप लेके आपको समझाऊं। देखिए, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको हम कम से कम 300 से 500 हॉरोस्कोप्स पे अप्लाई करते हैं और तभी जो है रिजल्ट निकालते हैं, तभी जो है ये पैरामीटर्स को हम डिराइव करते हैं, तभी हम इनको मानते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च होती हैं, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। एस्ट्रोलॉजी जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसा मैंने कहा पेशेंस और डेडिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जीवन के किसी भी पहलू के बारे में, कितना भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो लाइफ का, उसके बारे में जो है हम एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो जो ये प्रोफेशनल डिस्ट्रेस की जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, इसके लिए जो एग्जांपल हॉरोस्कोप मैंने ली है, जो आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो है क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की। इन द ईयर 1999-2000 मैच फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ था। उस समय अजहरुद्दीन जो है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, काफ़ी अच्छा फ्लरिशिंग करियर था, वो करियर एकदम से ख़त्म हो गया। सो इनकी हॉरोस्कोप देख के हम एनालाइज करते हैं कि उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ। अब देखिए, सबसे पहले जो है हम प्रॉमिस देखेंगे। तो जो लग्न कुंडली है उसमें आप देखिए जो 10th लॉर्ड है वो मरकरी है, वो जो है 5th हाउस में बैठा हुआ है। 8th लॉर्ड इनकी कुंडली में जो है वो मंगल है। मंगल जो है वो 11वें भाव में बैठ के मरकरी को, जो कि 10th लॉर्ड है, उसको एस्पेक्ट कर रहा है। और कहाँ बैठे हैं मरकरी? 5th हाउस में। तो 5th, 10th और 8th का जो है बड़ा क्लियर कट जो है कनेक्शन आ गया है। अब जो मैंने आपको बताया कि जी जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमने रिसर्च करके डिराइव किया, वो ये देखा कि दशांश कुंडली के 8th लॉर्ड की जब दशा आई तब प्रॉब्लम आई। तो इनकी अब दशांश कुंडली अगर आप देखते हैं तो 8th लॉर्ड जो है वो सूर्य है। इन द ईयर 1999 ही वॉज रनिंग हिज सूर्य दशा, सूर्य की दशा चल रही थी इनकी। सूर्य जो है लग्न कुंडली में 5वें घर में बैठे हैं, 8th
लॉर्ड से एस्पेक्टेड हैं प्लस टेंथ लॉर्ड के साथ बैठे हैं। दशांश कुंडली में भी सूर्य जो है जो कि एर्थ लॉर्ड है वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो जब सूर्य की इनकी दशा चल रही थी तभी मैच फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ और इस स्कैंडल के चलते जो है इनका करियर जो है क्रिकेट से एकदम खत्म हो गया। तो देखिए छोटा सा पॉइंट है पर ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है हमें दे जाता है। आगे मैं आपसे अपनी और भी जो रिसर्चेस हैं और एस्पेक्ट्स को लेके वो जरूर शेयर करूंगी। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।